आज मैं आपको लेडीज कमीज की कटिंग करना बताने जा रही हूँ। इसके लिए हमारे पास जो कमीज का नाप है वो इस प्रकार है। लंबाई हमारे पास 41 इंच है, चौड़ाई 22.5 है, तीरा जो हमारा 14 इंच पे है, छाती हमारी 40 इंच है, कमर हमारी 33.5 पे है, 41 इंच हमारा हिप है, गले का जो गला जो अगला भाग है हमारा गले का वो 6 इंच पे हम काटेंगे, गला जो पिछला है वो हम 5 इंच पे काटेंगे, बाजू की लंबाई हमारी जो तैयार लंबाई है वो 17 इंच है और बाजू की जो चौड़ाई है वो 9 इंच पे है। तो चलिए अब हम कमीज़ की कटिंग करते हैं। ये जो हमारी कमीज़ है ये कढ़ाई वाली कमीज़ है और इसको हमेशा हम सेंटर से ही काटते हैं। कोई भी जो कढ़ाई वाला कपड़ा होता है लेडीज़ कमीज़ में या लेडीज़ कपड़े में उसको हमेशा सेंटर से काटते हैं, क्योंकि उसको हमने कढ़ाई को बराबर करना होता है जिससे कि हमारी जो कढ़ाई है वो बराबर आए। ये हमारा कमीज़ का अगला भाग है जो हम काटेंगे। इसके लिए क्योंकि ये पहले से फोल्ड हुआ है तो इसमें हम सिर्फ 1 इंच ही एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हमारा आधा इंच जो है कटिंग में जाएगा और आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा, तो हमारी 43 इंच जो लंबाई है वो पूरी हमें आ जाएगी। तो चलिए इसका नाप हम 42 इंच पे काटते हैं। 42 इंच पे हमने निशान लगा लिया है, यहाँ से भी हम 42 इंच पे बराबर कर लेंगे यहाँ से, और फट्टी से हम इसको सीधा कर लेंगे इस तरह। 7 इंच हमारा तीरा है जो शोल्डर की लेंथ है वो 7 इंच है, 7 इंच पे हम निशान लगा लेंगे। 7.5 पे हम मोटा काटेंगे, 7.5 पे इसलिए कुछ लोग 7 पे भी काटते हैं लेकिन कईयों को शोल्डर जो है आर्म होल है जो हमारा वो खुला चाहिए होता है, इसलिए हम 7.5 पे रखेंगे। तो चेस्ट जो हमारी है वो 40 इंच पे है, तो चलिए 40 इंच पे जो हम लगाएंगे वो हम इसका 40 का चौथा भाग लगाएंगे, तो चौथा भाग हो गया हमारा 10 इंच। तो 10 इंच पे हम निशान लगाएंगे, ये रहा 10 इंच पे हमने निशान लगा लिया है। कमर जो है हम 14.5 पे काटेंगे, और 21 इंच पे जो हमारी रहेगी हिप का निशान रहेगा और इसको भी हम सीधा कर सकते हैं क्योंकि सीधा करने से हमें कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। चलिए अब जो कमर है हमारी वो है 33.5 इंच, तो 33.5 का चौथाई भाग हो गया 8 और 8 16 16 16 32, इसमें थोड़ा सा भाग 1 इंच और लेंगे हम, 1 इंच नहीं इसका चौथाई भाग लेंगे 8.25 इंच लेंगे तो हमारा 33 हो जाएगा। 33 में 1 पॉइंट और लेना है हमने और ये हमारा 33.5 आ जाएगा। तो ये हमारा कमर का निशान हो गया यहाँ पे। हिप जो है हमारा 43 इंच है और यहाँ पे हमने 10.25 पे ले लेना है क्योंकि 10.25 इसका चौथाई भाग है 43 इंच का। यहाँ पे हमारा हिप का निशान आ गया और अब हमने इसकी जो चौड़ाई है कमीज़ की वो लेनी है। कमीज़ की चौड़ाई हमारी 22.5 इंच है, 22.5 है तो इसका हमने 10 और इसका हमने दूसरा भाग लेना है, तो 10 और 10 20 हो गए, 11 11 हमारे पास 22 आ गए और ये 22.5 है इसलिए 11.25 हमने इसकी चौड़ाई रखनी है। 11.25 पे हमने निशान लगा लिया। तो चलिए अब हम ये जो पॉइंट्स हमने लगाए हैं इसको ज्वाइन कर लेते हैं। यहाँ से छाती से कमर का ज्वाइन करना है और कमर से हिप का, इस तरह से हम ज्वाइन कर लेंगे और थोड़ी सी गोलाई करके हम सिलाई कर लेंगे। यहाँ से हमारी गोलाई आ जाएगी,
ये जो हमारा कता छाती छाती का है इसको हमने आगे 2 इंच एक्स्ट्रा पे काटना है। जो हिप है वो हमारा 1.5 इंच पे कटेगा। पहले हम हिप से विड्थ तक निशान लगाएंगे और हमने इसको भी 1.5 इंच पे काट लेंगे। ऊपर से हमारा 2 इंच पे आएगा और हिप से लेके नीचे चौड़ाई तक हमारा 1.5 इंच आएगा। यहाँ पे हमने 1.5 इंच लेना है, 1.5 इंच का निशान लगाना है। यहाँ से यहाँ तक 1.5 इंच का निशान लगा के हमने कमीज को यूँ गुलाई देनी है और इसकी हमने कटिंग करनी है। चलिए कटिंग करते हैं। ये हमारी कटिंग हो रही है। दो इंच हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रख लिया है सिलाई के लिए, जो कि लूजिंग देते हैं हम बाद में, अगर किसी का मोटा हो जाए वगैरह तो ये हमारी लूजिंग आ जाती है। लूजिंग करने के लिए यहाँ पे हम निशान लगा लेंगे। अब हम चेस्ट पे निशान लगा लेते हैं ताकि हमें सिलाई में कोई प्रॉब्लम ना आए। चेस्ट पे निशान लगा लेंगे कैंची से। यहाँ पे कमर का निशान लगा लेंगे और यहाँ पे हम हिप का निशान लगा लेंगे। ढाई इंच पे हम गले का निशान लगाएंगे। ये देखिए ये 2.5 इंच है चौड़ाई, जो गले की रखेंगे हम 2.5 इंच पे रखेंगे और यहाँ से हम 1/2 इंच नीचे की ओर डाउन जाएंगे। इससे क्या होता है हमारा जो सूट है वो बड़े ही अच्छी तरह से उसकी ऊपर की फिटिंग आती है और यहाँ से सीधा कर लेंगे। और यहाँ से छोटा सा हम गले का निशान लगा लेंगे। हम आगे वाला जो गला और ये यहाँ से जो कटाई डालते हैं ये बाद में डालेंगे। सबसे पहले हम इस फ्रंट को उठा के पिछले भाग के साथ लगा के हम इसको पिछला भाग वैसे ही काट लेंगे जैसे कि अगले वाला भाग हमारा कटा है। ये हमारी जो आगे वाला पीछे वाला भाग है इसकी लंबाई कम है तो पीछे से हम क्या करेंगे, कपड़ा डाल के ज्वाइन डाल के इसको पूरा कर लेंगे। पीछे वाले भाग के ऊपर हमने अगला भाग रखा है और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं।
यहाँ पे भी हम पिछले वाले भाग पे भी निशान लगा लेंगे, ताकि जब हम इसकी सिलाई करेंगे तो हमें मुश्किल ना हो। चलिए अब हम अगले भाग का गला और शोल्डर की शेप करते हैं, शेप बनाते हैं आर्म होल की। 7 इंच हमने तीरा लिया था, तो यहाँ से भी हम 7 इंच ही ले लेंगे और 7 इंच पे हम आधा इंच जो है अंदर की साइड आ जाएंगे। यहाँ से अंदर की साइड पे आके हम ऊपर से शोल्डर और यहाँ से मिला लेंगे इसको। आधा इंच ही आना है हमें इस तरह से, और यहाँ से हम इसकी गोलाई कर लेंगे। यहाँ 1 इंच यहाँ से हम इसकी गोलाई कर लेंगे। ये हमारे अगले भाग की कटिंग हो गई और यहाँ पे हमारा जो गला है वो 6 इंच पे आएगा। गले का हमने ना एक्स्ट्रा देना है और ना कुछ, 6 अगर गला है तो 6 का 6 ही आएगा, क्योंकि नीचे से अगर ऊपर से सिलाई होगी तो नीचे से वो डाउन भी जाएगा, इसलिए गले का हम इसी तरह से काटेंगे। ये हमारी कमीज की कटिंग हो गई, अब हम कमीज का अगले भाग में सिलाई करना बताएंगे।